हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप फॉर्म के ऊपर। गाइस, काफ़ी लोगों को अभी डाउट हो रहा है कि जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैं, जिनका अभी एडमिशन हाल ही में हुआ है, क्या वो स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। साथ ही गाइस, कुछ लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है स्कॉलरशिप फॉर्म के रिगार्डिंग, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना है, तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी मैं MP स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 के वेबसाइट पर, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, और होम स्क्रीन पे आप लोगों को कुछ इस प्रकार का सूचना देखने को मिलता है। गाइस, आवश्यक सूचना, ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं गाइस क्या आवश्यक सूचना है अभी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे, सूचित किया जाता है कि एमपी टास्क पोर्टल से संबंधित कार्य के लिए NIC भोपाल से पत्राचार, फोन, ईमेल अथवा किसी अन्य साधन द्वारा संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एमपी टास्क पोर्टल का निर्माण NIC भोपाल के द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है गाइस कि जो एमपी टास्क पोर्टल है, ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एमपी टास्क पोर्टल है क्या। ठीक है, तो ये गाइस ये भी एक स्कॉलरशिप पोर्टल है, लेकिन गाइस ये केवल ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, मतलब कि केवल ST कैटेगरी के स्टूडेंट ही इस पोर्टल के थ्रू अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बाकी SC और OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, उनको जो है MP स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 के वेबसाइट से ही अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको कोई समस्या है या फिर कोई जानकारी लेना है एमपी टास्क पोर्टल के संबंध में, तो आप जो है NIC भोपाल को कॉन्टैक्ट मत कीजिए, क्योंकि NIC भोपाल के द्वारा एमपी टास्क पोर्टल का निर्माण नहीं किया गया है। सो आप लोगों को NIC भोपाल के द्वारा इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलेगी, सो यहाँ पर बताया गया है गाइस। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, उनको जो है एमपी टास्क पोर्टल से ही अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भरना होगा। इसका एक जो है ऐप आता है, ठीक है, आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों को मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर में, एमपी टास्क पोर्टल का एक एप्लीकेशन आता है। ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने भी ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को वहीं से अपना स्कॉलरशिप फॉर्म का आवेदन करना होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा गाइस, एक और महत्वपूर्ण अपडेट है, यहाँ पास आप लोग देख पा रहे हो नीचे, इससे आपको जानकारी मिलेगा कि आप जो है जो न्यू स्टूडेंट हो, क्या वो स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास इसको हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारे चीज़ों को। सो गाइस, आप लोग यहाँ पास स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे, यहाँ पास बताया जा रहा है कि सूचित किया जाता है कि मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए इस पोर्टल पर नवीनीकरण हेतु आवेदन 1/12/2021 से प्रारंभ हो चुकी है। गाइस, यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि जो MP के ST और SC कैंडिडेट हैं, जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं, मतलब फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, जो फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप ले चुके हैं, जो सेकेंड ईयर में अभी स्टूडेंट हैं, वो अपना फॉर्म रिन्यूअल कर सकते हैं। यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होंगे, नवीनीकरण का अर्थ होता है फॉर्म रिन्यूअल। ठीक है, आप जो है सेकेंड ईयर के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास बताया जा रहा है। इसके अलावा गाइस बताया जा रहा है कि जो OBC कैंडिडेट है मध्य प्रदेश के, उनका अभी आवेदन जो है बंद कर दिया गया है। ना तो आप नवीन आवेदन, मतलब जो न्यू स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और नवीनीकरण मतलब कि फॉर्म रिन्यूअल प्रोसेस को भी बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो अगले आदेश तक ये बंद रहेगा। इसके संबंध में कोई नोटिस जारी होगी, प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है, तभी OBC कैंडिडेट जो है अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भर पाएंगे। अभी आप जो है OBC कैंडिडेट स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा गाइस, नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे, नवीन आवेदन हेतु संबंधित विभाग द्वारा पृथक से सूचित किया जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप लोगों का जो यूनिवर्सिटी है, वो आपको अलग से एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि आप जो है स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हो या नहीं भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पास आप लोग देख सकते हो, बताया जा रहा है कि आपका जो विभाग है अलग से एक पृथक नोटिस जारी करेगा, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि आप जो है जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हो, वो स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हो। देन आप लोग जो है स्कॉलरशिप फॉर्म इसी पोर्टल के माध्यम से भर पाओगे। ठीक है, इस पोर्टल का जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप लोग सिंपली क्या कीजिएगा, जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो है स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हो, तो आप लोगों को इस लिंक पे आना है। ठीक है, जो लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, उस लिंक पे सिंपली क्लिक करना है, और आप लोगों को वो लिंक जो है रिडायरेक्ट कर देगा इस वेबसाइट पे, और आप लोगों को मैं बता दूंगा आगे का प्रोसेस, किस प्रकार से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है और आगे का फॉर्म भरना है। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।